नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। विधानसभा चुनावी रैली के दौरान सोशल मीडिया पर यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां देने का वीडियो हुआ वायरल। वायरल होने पर थाना निजामाबाद आजमगढ़ में अजय यादव पुत्र राजेंद्र यादव ग्राम अक्सड़ा मुस्तफाबाद पोस्ट कुजियारी जनपद आजमगढ़ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 5 मार्च को अखिलेश यादव की रैली में जाते समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियां बकते हुए सैकड़ों की संख्या में बिना अनुमति के जुलूस निकालते हुए आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के जरिए वायरल भी किया गया था, जिसे क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी से काफी रोष था। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त होने पर अजय यादव पुत्र राजेंद्र यादव व इनके साथ जुलूस में चल रहे अन्य के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर दिनांक 8 मार्च शेर बहादुर सिंह जिला उपाध्यक्ष भाजपा लालगंज ग्राम नदौली पोस्ट बथाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। यूपी स्टेट प्रभारी धनंजय प्रजापति की रिपोर्ट।